तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी की आपको एक ट्रिक कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने मोबाइल को स्मूथली या फिर बोल सकते हैं फास्टली आप चला सकते हैं अपने मोबाइल को विदाउट लैगिंग करे हुए। तो आगे आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मोबाइल को स्मूथली और लैगिंग से फ्री चला पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे एक ऑप्शन मिलता है आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर का, आपको उसके अंदर चले जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है ऑटोमेशन का, आपको उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिल रहा है ऑटो ऑप्टिमाइज डेली, जो कि बहुत काम का फीचर है। अगर आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करते हो और अपने जो भी क्लोज्ड ऐप्स हैं जो कि आपने रिसेंटली खोली हैं अगर उनको क्लोज नहीं करते तो ये आपका बहुत काम का फीचर होने वाला है। कैसे, ये क्या करेगा, ऑप्टिमाइज योर फोन ऑटोमेटिकली वंस अ डे। ये क्या करेगा, जब आप इसमें एक टाइम सेट कर देंगे उस टाइम पे दिन में एक बार या आपके मोबाइल की जितनी भी बैकग्राउंड में ऐप चल रही होंगी वो सारी ऐप को क्लोज कर देगा। जो आपने अभी रिसेंटली खोली होंगी तो शायद उनको ऑफ नहीं करेगा, बाकी पूरी ऑफ कर देगा यहाँ पर, मतलब क्लोज कर देगा, जिससे आपकी मोबाइल की मेमोरी फ्री हो जाएगी, रैम फ्री हो जाएगी, तो आपकी लैगिंग की और स्मूथ आपका मोबाइल चलने लग जाएगा। तो ये वाला जो फीचर है बहुत काम का फीचर है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है योर फोन ऑप्टिमाइज योर फोन ऑटोमेटिकली वंस अ डे इफ क्लोज ऐप टू फ्री अप मेमोरी इज टर्न ऑन बैकग्राउंड ऐप विल बी क्लोज। जितनी भी बैकग्राउंड ऐप होगी सब बंद हो जाएगी, यू मोस्ट रिसेंटली यूज ऐप, बट जो कि आपने रिसेंटली यूज करी है जो ऐप वो बंद नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया योर फोन विल बी ओनली ऑप्टिमाइज इफ योर स्क्रीन ऑफ और योर फोन इज नॉट यूज। मतलब कि ये जब होगा जब आप अपने मोबाइल को यूज नहीं कर रहे होंगे और उसकी स्क्रीन भी ऑफ होगी। और साथ में इसके आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए आप अपने हिसाब से एक टाइम सेट कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है रात में 3 बजे, तो उस टाइम मैं मोबाइल यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ तो कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, उस टाइम ऑटोमेटिक जितनी भी बैकग्राउंड में ऐप चल रही होती सब क्लोज हो जाएंगी। इससे क्लोज होने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपका मोबाइल भी फ्री चलेगा और साथ में आपकी बैटरी भी बचेगी क्योंकि बैकग्राउंड में ऐप रनिंग होती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप अपने हिसाब से इसका टाइम भी मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी आपको टाइम चाहिए। और आपको यहाँ पर अगर आपको लगता है ये क्लोज ऐप ना करे तो आप यहाँ से हटा सकते हैं तो वो क्लोज नहीं करेगा। उसके दोस्तों इसी में एक और फीचर दिया गया है जो कि बहुत काम का है, वो है ऑटो रीस्टार्ट एट सेट टाइम। ये क्या होता है, जितने लोग भी आप देखेंगे सबने यही बताया होगा कि हमेशा आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट एक बार तो करना चाहिए। इससे क्या होता है, जितने भी फालतू की जो प्रोसेस होती है बैकग्राउंड में चल रही होती है वो स्टॉप हो जाती है और मोबाइल थोड़ा फ्री चलने लग जाता है। तो ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, तो उसी के लिए उन्होंने एक ऑटोमेशन बना दिया है जिससे क्या होगा, एक टाइम आप सेट कर देंगे उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद रीस्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखेंगे आप, योर फोन विल बी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट इन 1 आवर ऑफ द टाइम यू सेट। योर फोन विल बी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, द फोन इज बीइंग नॉट यूज, द बैटरी इज अबाउट 30%। मतलब ये एक कंडीशन है, ये सब चालू होंगी तो आपका मोबाइल नहीं करेगा, ये सब कंडीशन है, आपकी ऑफ होनी चाहिए तो ही आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिक। जैसे कि स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए, फोन यूज नहीं होना चाहिए, द बैटरी इज अबव 30%, मोबाइल की बैटरी 30% अबव होना चाहिए, सिम कार्ड लॉक इज ऑफ, सिम कार्ड लॉक ऑफ होना चाहिए, मतलब लॉक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर डे सेट कर दिए कि भैया मेरे को डेली ही करना है, वीक में एक बार नहीं, मुझे तो हमेशा टाइम मेरे डेली मेरा मोबाइल एक बार रिस्टार्ट होना चाहिए। और टाइम मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, लाइक मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 5 बजे, सुबह 5 बजे ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल रीस्टार्ट होना चाहिए। इससे भी बहुत फायदे होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको इसको भी इनेबल करके रखना चाहिए। आप वीक मत रखिए, आप इसमें 2-4 दिन कम कर दीजिए, लाइक आपको संडे कर लीजिए, मंडे हटा दीजिए, ट्यूजडे कर लीजिए, तो ऐसे करके आप अरेंज करके अपने हिसाब से उसको कर लीजिए, बट फिर भी 2 या 3 दिन में एक बार तो रीस्टार्ट का शेड्यूल आप जरूर रखें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है अडेप्टिव पावर सेविंग, ये आपके मोबाइल की बैटरी सेविंग के लिए, मतलब कि स्मूथ के लिए तो नहीं है बट ये बैटरी सेव करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको ऑन कर देंगे, इससे क्या होगा, आपके डेली यूजेस के हिसाब से अपने आप को पावर को सेव कर लेगा, मतलब कि आप जब ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, कब कम यूज करते हैं, जब आप कम यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक उसको पावर सेविंग मोड पर चले जाएगा और आपकी बैटरी वहां पर काफी हद तक सेव करेगा। तो बहुत शानदार ये वाला फीचर भी है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको टिप्स बताई बहुत ही काम की टिप्स है, ये टिप्स मैं अपने मोबाइल में फॉलो करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो थैंक यू दोस्तों।